नचेड़ी गजेड़ी गैंग पर आईटी के छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, लेकिन मिर्च कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लगी है। उन्होंने मोदी सरकार पर ट्विटर से निशाना साधा है। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। टैक्स चोरी का मामला हो या किसानों का मामला, राजनीति होना तो लाजमी है। पूरा मामला है टैक्स चोरी का, जहां आजकल टैक्स चोरी में बॉलीवुड पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। हाल ही में टैक्स चोरी के मामले में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू समेत कई सितारों के ऑफिस और घरों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कुछ मुहावरे भी शेयर किए। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार, आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई को उंगलियों पर नचाती है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उदित राज ने आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के मुहावरे से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, कुछ मुहावरे लिखे हैं, उसमें लिखा है उन्होंने कि उंगलियों पर नचाना, यानी केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये काम करती है, उन्हें उंगलियों पर नचाती है। यानी दूसरा फ्रेज लिखा है, भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया यानी मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया भीगी बिल्ली बन रही है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, यानी जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड करती है तो कुछ नहीं कर पाती। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का पीएम मोदी पर निशाना। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले बॉलीवुड के लोगों पर छापा मारा गया है, अन्य लोगों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन गुजरात में गुजारे हैं। इसी को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा है, राहुल गांधी इन मुहावरों को भी याद करिएगा, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी आपातकाल में मीडिया की आज़ादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया को फ्रीडम ज्ञान देना अच्छी बात नहीं है। नंबर 2 लिखा है, उंगली पर गिने जा सकना, यानी कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर चुनाव में स्थिति क्या है, कैसी है, वो भी देखी जा सकती है। वहीं नंबर 3 में लिखा है, रंग स्यार, यानी सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करती है, एक परिवार की पार्टी है, लोकतंत्र पड़ रही है। नेता है तो राजनीति भी जरूर होगी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने चैनल खबर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।